नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। बिल्ड टू एम्पावर यू एंड स्प्रेड एजुकेशन टू ऑल, कनेक्टिंग कैंपस दिग्घी वेस्ट, रोज द मेडिसिटी हॉस्पिटल के सामने दरभंगा। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में प्योर विज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर के साथ टावर चौक दरभंगा। राज्यसभा सांसद प्रभात झा पहुंचे दरभंगा, कहा नागरिकता संशोधन कानून पर कुछ लोग फैला रहे हैं भ्रम, बोले किसी को भी नागरिकता से हटाने का सवाल ही नहीं। बार बार मिल रही नई तारीखों के बीच एक और नई डेडलाइन, सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा अब जून 2020 से शुरू होगी दरभंगा से हवाई सेवा। महात्मा गांधी मिथिला और मैथिली विषयक दो दिवसीय संगोष्ठी प्रारंभ, सीएम कॉलेज दरभंगा में जुटे विषय विशेषज्ञ। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम में होगा, प्रभारी मंत्री करेंगे ध्वजारोहण, तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। 8 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, आपसी समझौते के आधार पर निपटाए जाएंगे मामले। दावा आपत्तियों का निष्पादन शीघ्र करने का निर्देश, 15 जनवरी तक किए जा सकेंगे दायर। जिलाधिकारी ने अलीनगर की संयुक्त सभा में मानव श्रृंखला को सफल बनाने का किया आह्वान। मिथिला विश्वविद्यालय में 10 और 11 जनवरी को दो दिवसीय नैक कार्यशाला का हो रहा आयोजन। और ठंड के मद्देनजर सरकारी स्तर पर जगह जगह जलाए जा रहे अलाव। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहाँ की ऑक्टोपस, टाराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था, तो फिर देर किस बात की। लागे लगर कैसे अब जाए घरवा, काफी भजन मोड़ा धड़के खरजवा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त, हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। कैंपस बिहार की पहली कंपनी जो शिक्षा के क्षेत्र में वर्चुअल रियलिटी लाने जा रही है। हम मूवी देखते हैं तो रियलिटी का अनुभव करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं और जिंदगी भर उसको याद रखते हैं। उसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग साइंटिफिक फिल्म देने जा रहे हैं, बच्चे एक बार देखेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। रिमेंबर वंस एक्सपीरियंस फॉर एवर। बच्चे कार्टून देखते हैं, सारे कैरेक्टर उसके याद रखते हैं। अब बच्चे फिल्म देखेंगे, लिटिल एबीसी से लेकर हर कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए connectingcampus.com पर विजिट करें। एस्पायर एजुकेशन कोर्स फॉर IIT मेडिकल एंड फाउंडेशन दिग्घी वेस्ट नियर रोज द मेडिसिटी दरभंगा। Aspire Genius Selection Test 2020 for Class 6, 7, 8, 9, 10, 11th and 12th में हो शामिल और बने उपहारों के विजेता। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI सम्मान के साथ।
सुनिश्चित रोजगार। और समाचार अब विस्तार के साथ। राज्यसभा सांसद प्रभात झा पहुंचे दरभंगा, कहा नागरिकता संशोधन कानून पर कुछ लोग फैला रहे हैं भ्रम, बोले किसी को भी नागरिकता से हटाने का सवाल ही नहीं। राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता प्रभात झा गुरुवार को दरभंगा पहुंचे, इनका भव्य स्वागत हुआ। सांसद प्रभात झा ने सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए नागरिकता संशोधन कानून के तहत जन जागरण अभियान चलाए जाने की बात कही। कहा पूरे देश भर में रैलियां हो रही हैं, जनसंपर्क एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी के अंतर्गत यहां मीडिया के लोगों से वे मिलना चाहते हैं। एक गाँव में जाकर लोगों से जनसंपर्क भी किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश भर में लोगों को गुमराह करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पारित हो चुका है, बहुमत से पारित होकर कानून बना है। इसमें किसी को भी कहीं से भी नागरिकता से हटाने का प्रावधान नहीं है, कहा सांसद प्रभात झा ने। नागरिकता संशोधन कानून के तहत जन जागरण अभियान चला रही है और उसी के अंतर्गत आज यहां पर भी आपसे बात हो रही है और जन जागरण के तहत एक गांव में जाकर जनसंपर्क करना हम सभी लोगों को, और वैसे जनसंपर्क सब जगह चल ही रहा है, रैलियां हो रही हैं, जनसंवाद हो रहे हैं, पूरे देश में चल रहा है और ये इसलिए चल रहा है कि कुछ लोग देश में गुमराह करने की कोशिश लगातार कर रहे थे। एक सही बात को गलत करने की और गलत बताने की दिशा में और एक बहुत बड़े वर्ग को गुमराह करने के लिए जब ये किया गया तब पार्टी ने तय किया नहीं, हमें भी जनता के बीच में जाना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून राज्यसभा में लोकसभा में दोनों जगह पारित हुआ, बहुमत से पारित हुआ और कानून बना है। संशोधन था वो कानून तो पहले ही था, इसमें कहीं पर भी किसी को भी नागरिकता से हटाने का कोई प्रावधान नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास और एक और नारा जुड़ा था सबका विश्वास, और ये कहा था कि जिनके साथ वर्षों छलावा हुआ है उस छलावे को छलने वालों को हमको अब अलग करना है और इनका विश्वास जीतना है। उसी दिशा में हमारे कदम बढ़ते गए, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पा रही और गुमराह कर रही है और कुछ विपक्षी दल भी इसको इसी तरह से ले रहे हैं। पार्टी ने तय किया कि हम बताएंगे जनता के बीच में, इस बिल में एक शब्द भी किसी की नागरिकता को समाप्त करने की बात नहीं कही। क्या कहा गया है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के में जो लोग अल्पसंख्यक हैं उनको यदि धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रताड़ना होती है तो उनको भारत में यदि वो आते हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी। अभी आज से 3 दिन पहले एक ताजा उदाहरण आपने देखा होगा, ननकाना गुरुद्वारा, वर्षों से अखंड कीर्तन होता था, वहां पथराव किया गया, एक लड़की का धर्मांतरण करके विवाह करने की बात आई वहां पर। बार बार मिल रही नई तारीखों के बीच एक और नई डेडलाइन, सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा अब जून 2020 से शुरू होगी दरभंगा से हवाई सेवा। लगातार मिल रही तारीख पर तारीख के बीच एक बार और मिल गई है एक नई तारीख,
जी हां, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा से हवाई जहाज उड़ाने के लिए जून का डेडलाइन तय किया है। उन्होंने कहा है कि जून 2020 से दरभंगा से एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू होगी। एम्स का शिलान्यास और दरभंगा एयरपोर्ट का उद्घाटन, दोनों काम साथ साथ होगा, कहा गोपाल जी ठाकुर ने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा की शुरुआत करेंगे और एम्स का शिलान्यास भी करेंगे। दोनों काम साथ साथ होगा और वह जून महीने में होगा। आपको याद दिलाएं कि मार्च 2020 से दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ाने का आश्वासन दिया था सांसद गोपाल जी ठाकुर ने अपने पिछले बयान में, लेकिन आज 9 जनवरी 2020 को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू होगी इस वर्ष जून महीने से, और लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है। और इसी बीच सांसद की नई तारीख के ऐलान ने एक बार फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि आखिर दरभंगा हवाई अड्डे से उड़ान सेवा कब शुरू होगी। हालांकि गोपाल जी ठाकुर ने पूरे दावे के साथ दरभंगा से उड़ान सेवा जून में शुरू कराने की बात कही है, लेकिन ऐसा ही दावा उन्होंने पिछले बयान में भी कहा था, दिया था, दिखाया था, जैसा वो 2020 मार्च से उड़ान सेवा शुरू करने की बात कहते रहे थे। लेकिन अब यह तारीख, यह महीना जून 2020 का उन्होंने आज अपने नए बयान में कहा है। कब दरभंगा हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू होगी, मीडिया के इस सवाल पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मार्च से एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू होनी थी, लेकिन दरभंगा एयरपोर्ट पर 4 लेयर का कालीकरण करना था। अभी तक 2 लेयर का ही कालीकरण हो सका है। वर्षा और विपरीत मौसम को इसके लिए जिम्मेवार उन्होंने ठहराया है, कहा कि इन वजहों से विलंब हुआ है। लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट का उद्घाटन और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल DMCH का उद्घाटन, एम्स का शिलान्यास सब एक साथ होगा और यह सब होगा इसी साल जून महीने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सेवाओं की यहां आकर शुरुआत करेंगे, ऐसा भी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा है। चलिए, मार्च से अब तारीखों की सुई जून पर अटक गई है। यह भी देखने वाली बात होगी कि आखिर सांसद गोपाल जी ठाकुर के इस वाले बयान में कितना दम है, और दूसरी तरफ कहें तो क्या यह बयान सही रूप में सच साबित हो पाएगा, यह देखना तो अभी बाकी है। नहीं बढ़ा है, हम मार्च में भी चालू कर सकते हैं। जितना वहां पर 4 लेयर कालीकरण करना था, वहां पर 2 लेयर का कालीकरण हो चुका है। लेकिन हम चाहते हैं जो एक साथ एक साधे सब साधे, तो हम चाहते हैं एक बार सारा प्रक्रिया हो जाए। और पानीपत से हमको वहां पर अलकतरा लाना पड़ रहा है, कभी बरसात के चलते समय बढ़ा, कभी अलकतरा के चलते समय बढ़ा। तो अब वो दिन दूर नहीं जो जून तक जो समय हमारे माननीय मंत्री विभाग ये दिए हैं, उसमें यहां का एम्स का शिलान्यास और एयरपोर्ट का उद्घाटन दोनों हो जाएगा। महात्मा गांधी मिथिला और मैथिली विषयक 2 दिवसीय संगोष्ठी प्रारंभ, सीएम कॉलेज दरभंगा में जुटे विषय विशेषज्ञ। महात्मा गांधी अलौकिक व्यक्तित्व के धनी महापुरुष, बोले प्रोफेसर भीमनाथ झा। गांधी दर्शन मानवता की रक्षा हेतु सदा प्रासंगिक, कहा डॉक्टर मुश्ताक ने। गांधी विश्व के नेता तथा भारत के त्राता, बोले डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्र। महात्मा गांधी अलौकिक व्यक्तित्व के धनी महापुरुष थे, जिनके विचारों की प्रासंगिकता सार्वदेशिक व सार्वकालिक है। उनका व्यक्तित्व महान है। गांधी को महात्मा बनाने तथा सफल बनाने में मिथिला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मिथिला और महात्मा दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मददगार रहे हैं। गांधी के जीवन और कार्यों से मैथिली साहित्य समृद्ध हुआ है। उक्त बातें मैथिली साहित्य के इंसाइक्लोपीडिया कहे जाने वाले प्रोफेसर भीमनाथ झा ने साहित्य अकादमी नई दिल्ली तथा सीएम कॉलेज दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में महाविद्यालय में महात्मा गांधी मिथिला और मैथिली विशेष संदर्भ चंपारण विषयक 2 दिवसीय संगोष्ठी में उद्घाटन वक्तव्य के रूप में कही। उन्होंने कहा कि गांधी के विचारों का मैथिली साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आज गांधी से संबद्ध मैथिली साहित्य में उपलब्ध सामग्रियों पर शोध करने की सख्त जरूरत है, तभी गांधी चरित्र और मैथिली साहित्य की समृद्धि का पता चलेगा।
साहित्य अकादमी के मैथिली परामर्श मंडल के संयोजक डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्र ने विषय प्रवर्तन करते हुए कहा कि मिथिला हमेशा से ही देश को दिशा और दशा देते रहा है। भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में मिथिला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अध्यक्षीय संबोधन में प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि यह गोष्ठी कई मायनों में महत्वपूर्ण है। मैथिली हमारी मातृभाषा, यह हमारे परिवेश की भाषा है। हर भाषा की अपनी एक संस्कृति होती है। हर साहित्य प्रेमी को दूसरे भाषा के साहित्य को भी पढ़ना समझना चाहिए। भारत की कोई भी भाषा नहीं है जिसमें गांधी दर्शन न हो। इस अवसर पर प्रोफेसर प्रीति झा, डॉक्टर अशोक कुमार मेहता, डॉक्टर शिव प्रसाद यादव, प्रोफेसर रमेश झा, डॉक्टर नरेश कुमार विकल, डॉक्टर फूल चंद्र मिश्र रमन, डॉक्टर सुरेंद्र भारद्वाज, स्वीटी कुमारी, डॉक्टर योगानंद झा, डॉक्टर भागवत मंडल समेत डॉक्टर सुरेश पासवान, डॉक्टर आर एन चौरसिया और 100 से अधिक शिक्षक, शोधार्थी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर अभिलाषा कुमारी तथा धन्यवाद ज्ञापन मैथिली विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर रागनी रंजन ने किया। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम में होगा। प्रभारी मंत्री करेंगे ध्वजारोहण। तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम में होगा। 26 जनवरी 2020 को भारतवर्ष के 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह स्थानीय नेहरू स्टेडियम लहेरियासराय में मनाया जाएगा। इस समारोह के मुख्य अतिथि जिला प्रभारी मंत्री सह योजना एवं विकास विभाग महेश्वर हजारी होंगे। मुख्य अतिथि द्वारा सुबह 9:05 पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। गणतंत्र दिवस के परेड में बीएमपी के एक प्लाटून, जिला सशस्त्र बल के 2 प्लाटून, गृह रक्षा वाहिनी के 1 प्लाटून के लोग भाग लेंगे। इसके अलावा एनसीसी, सीनियर एनसीसी, जूनियर बालक बालिका का 1-1 प्लाटून तथा भारत स्काउट एंड गाइड का 1 प्लाटून बीच में भाग लेगा। गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाने एवं इसकी विधिवत तैयारी करने के लिए जिलाधिकारी दरभंगा की अध्यक्षता में सभा कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई। डीएम ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर झंडोत्तोलन करने में राष्ट्रीय ध्वज प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन किया जाए। राष्ट्रीय झंडे को बांधने में पूरी सावधानी बरती जाए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिन में फैंसी क्रिकेट मैच एवं संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराने का भी निर्णय लिया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम डीएमसीएच के प्रेक्षा गृह में होगा। इसमें फिल्मी अथवा राजनीतिक दलों से संबंधित कोई कार्यक्रम नहीं सम्मिलित किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने सभी तैयारियां ससमय पूरा कर लेने के निर्देश दिए। जल जीवन हरियाली अभियान का भी प्रचार प्रसार के लिए फ्लेक्सी लगवा दें सभी जहाँ जब भी आगे तो अग्निशमन बेड की व्यवस्था, बैंड की व्यवस्था, बैंड है आपका ये किसी सर को प्रदर्शन करने वाले को गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में सम्मान के ये भी कर लेना होगा। आठ फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। आपसी समझौते के आधार पर निपटाए जाएंगे मामले। 8 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। देश के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन और लंबित वादों के निस्तारण हेतु आगामी 8 फरवरी 2020 को एक बार पुनः राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त अवसर पर दरभंगा जिला अवस्थित व्यवहार न्यायालय, दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल में लोक अदालत आयोजित किए जाएंगे। इन अदालतों में 10:30 पूर्वाह्न से सुनवाई शुरू होगी। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा जावेद आलम द्वारा बताया गया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमा पूर्व एवं लंबित वादों का निस्तारण किया जाएगा। इसमें शमनीय आपराधिक वाद, एनआई एक्ट धारा 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम विवाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा संबंधी वेतन भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ, राजस्व मामले जिला न्यायालय में लंबित,
एवं अन्य दीवानी मामले यथा किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञावाद, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतुवाद, BSNL इत्यादि से संबंधित मामले शामिल होंगे। राष्ट्रीय लोक अदालतों में मध्यस्थता के जरिए दोनों पक्षों के बीच आपसी सुलहनामे और समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण किया जाता है। ऐसे विभिन्न प्रकार के वादों के निस्तारण करने के लिए यह सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है। दावा आपत्तियों का निष्पादन शीघ्र करने का निर्देश, 15 जनवरी तक किए जा सकेंगे दावा आपत्ति दाखिल। दावा आपत्तियों का निष्पादन शीघ्र करने का निर्देश, 15 जनवरी तक दावा आपत्ति दायर किए जा सकेंगे। मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 16 दिसंबर 2019 को प्रारूप प्रकाशन के उपरांत निर्वाचकों से दावा आपत्ति प्राप्त किया जा रहा है। दावा आपत्ति दायर करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2020 निर्धारित है। इस तिथि तक प्राप्त सभी दावा आपत्तियों का निष्पादन 27 जनवरी 2020 तक करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा डेडलाइन तय कर दिया गया है। निर्वाचक सूची इलेक्ट्रल रोल का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2020 को किया जाएगा। ERO नेट पर डाली गई प्रविष्टियों के अनुसार दरभंगा जिला के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचक सूची में नाम जुड़वाने हेतु कुल 27,078 प्रपत्र 6 में आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में 1,430, 79 गौराबोराम विधानसभा क्षेत्र में 3,050, 80 बेनीपुर में 3,235, 81 अलीनगर में 2,350, 82 दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 3,541, 83 दरभंगा विधानसभा क्षेत्र में 1,716, 84 हायाघाट में 3,581, 85 बहादुरपुर में 3,207, 86 केवटी विधानसभा क्षेत्र में 2,919 एवं 87 जाले विधानसभा क्षेत्र में 2,049 आवेदन शामिल हैं। जिलाधिकारी ने अली नगर में संयुक्त सभा में मानव श्रृंखला को सफल बनाने की अपील। जिलाधिकारी ने अली नगर के संयुक्त सभा में मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए किया आह्वान। 19 जनवरी 2020 को बनाए जाने वाले राज्यव्यापी मानव श्रृंखला निर्माण को पूर्ण सफल बनाने के लिए संपूर्ण जिला क्षेत्र में प्रचार प्रसार एवं वातावरण निर्माण का कार्य चरम पर है। जिला के सभी प्रखंडों में सरकारी पदाधिकारी, कर्मियों, जनप्रतिनिधियों, जीविका समूह की दीदियों, आशा कार्यकर्ताओं, PDS डीलरों आदि के साथ अलग अलग बैठकें आयोजित कर उन्हें जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान के साथ जुड़ने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जल जीवन हरियाली अभियान के संदर्भ में मानव श्रृंखला निर्माण बनाए जाने के प्रति संपूर्ण जिलावासियों में हर्ष का भाव देखा जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालय परिसरों आदि में मानव श्रृंखला बनाने का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 10 और 11 जनवरी को 2 दिवसीय NAC कार्यशाला का हो रहा आयोजन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में राजभवन पटना के निर्देश के आलोक में 2 दिवसीय NAC कार्यशाला का आयोजन 10 और 11 जनवरी को विश्वविद्यालय के गांधी सदन के सभागार में किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा महात्मा गांधी सदन में 10 जनवरी को 10:30 सुबह किया जाएगा। इस कार्यशाला में बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कई प्रतिभागी NAC से संबंधित आधार पुरुषों से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। ज्ञातव्य हो कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधिकांश कॉलेज NAC से मूल्यांकित हैं। यही कारण है कि महामहिम कुलाधिपति ने बिहार के विश्वविद्यालयों में NAC मूल्यांकन की गति तीव्र करने के उद्देश्य से NAC प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजन की जिम्मेवारी मिथिला विश्वविद्यालय को सौंपी है। ठंड के मद्देनजर सरकारी स्तर पर जगह जगह जलाए जा रहे हैं अलाव। ठंड के मद्देनजर जगह जगह सरकारी स्तर पर जलाए जा रहे हैं अलाव। गुरुवार को भी अलाव जलाने का यह क्रम जगह जगह जारी रहा। मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया पूर्वाभ्यास। मानव श्रृंखला की सफलता के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मचारी ने किया पूर्वाभ्यास। NSS विभाग ने झोंकी ताकत। पूर्वाभ्यास में 1,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। आगामी 19 जनवरी को जल जीवन हरियाली और नशा मुक्ति, बाल विवाह समाप्ति एवं दहेज प्रथा उन्मूलन विषय पर होने वाली मानव श्रृंखला का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में गुरुवार को पूर्वाभ्यास किया गया। मानव श्रृंखला ऐतिहासिक कदम, बोले कुंवर सिंह कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्ला। किया गया पूर्वाभ्यास।
पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति के लिए 19 जनवरी को प्रस्तावित मानव श्रृंखला ऐतिहासिक कदम, बोले डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्ला। जल जीवन हरियाली, दहेज प्रथा, बाल विवाह, शराबबंदी के सवाल पर बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित जिला प्रशासन के दिए गए निर्देश पर कुंवर सिंह महाविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित मानव श्रृंखला के प्रति जन जागृति के लिए शिक्षक, कर्मचारी, छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला का पूर्वाभ्यास कुंवर सिंह महाविद्यालय परिसर में किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्ला ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण व सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति के लिए 19 जनवरी को प्रस्तावित मानव श्रृंखला ऐतिहासिक कदम है। गांव गांव शहर गली फिर से धुन है, रमी गूंज उठी फिर से। साथ साथ हम चले थे जैसे रंग के अपने घर से, तो पुकारता समय हमें अब था वो हाथ फिर से। बचाने जल जीवन, बचाने हरियाली, कदम लाखों मिलकर चले फिर से। हर दौर में हर शक्ल की मानाए हमसे हारी हैं, हारा नशा हारा दहेज दोहराए जीत फिर से। आइए हम सब एकजुट होकर जल जीवन हरियाली और नशा मुक्ति के समर्थन में एवं बाल विवाह और दहेज प्रथा मिटाने के लिए दिनांक 19 जनवरी 2020 को दिन के 11:30 से 12 बजे तक बनने वाली मानव श्रृंखला में सम्मिलित होकर इस अभियान को सफल बनाए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। गाँव गाँव शहर गली फिर से, धुन है रमी गूंज उठी फिर से। साथ साथ हम चले थे जैसे रंग के अपने घर से, तो पुकारता समय हमें अब था वो हाथ फिर से। बचाने जल जीवन, बचाने हरियाली, कदम लाखों मिलकर चले फिर से। हर दौर में हर शक्ल की मानाए हमसे हारी हैं, हारा नशा हारा दहेज दोहराए जीत फिर से। आइए हम सब एकजुट होकर जल जीवन हरियाली और नशा मुक्ति के समर्थन में एवं बाल विवाह और दहेज प्रथा मिटाने के लिए दिनांक 19 जनवरी 2020 को दिन के 11:30 से 12 बजे तक बनने वाली मानव श्रृंखला में सम्मिलित होकर इस अभियान को सफल बनाए। सूचना एवं न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फॉरन लौटेंगे। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, हेरू इंग्लिश स्कूल दरभंगा। क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ऑल द व्हीकल्स आर इनेबल्ड विद जीपीएस, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स लैब, वेरी गुड फैसिलिटीज फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। कंप्लीट स्कूल कैंपस इज अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, रेगुलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स थ्रू SMS अलर्ट सिस्टम, इम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, नो री एडमिशन चार्जेज फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 7763819774। शॉपिंग, मस्ती और साथ में प्राइस भी। आइए राष्ट्रीय व्यापार मेला एक्सपो 2019-20 में मेडिकल कॉलेज खेल मैदान, कर्पूरी चौक, दरभंगा। हाउस होल्ड गुड्स, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट, होम अप्लायंसेज, स्टेशनरी, ज्वेलरी, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, किचनवेयर, मॉड्यूलर फर्नीचर, क्रॉकरी, गारमेंट्स, फुटवेयर, कारपेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल और 5000 से अधिक उत्पाद के साथ आपके शहर में 14 जनवरी 2020 तक। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। राज्यसभा सांसद प्रभात झा पहुंचे दरभंगा, कहा नागरिकता संशोधन कानून पर कुछ लोग फैला रहे हैं भ्रम, बोले किसी को भी नागरिकता से हटाने का सवाल ही नहीं। बार बार मिल रही नई तारीखों के बीच एक और नई डेडलाइन, सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा अब जून 2020 से शुरू होगी दरभंगा से हवाई सेवा। महात्मा गांधी, मिथिला और मैथिली विषयक 2 दिवसीय संगोष्ठी प्रारंभ, सीएम कॉलेज दरभंगा में जुटे विषय विशेषज्ञ। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम में होगा, प्रभारी मंत्री करेंगे ध्वजारोहण, तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। 8 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, आपसी समझौते के आधार पर निपटाए जाएंगे मामले। दावा आपत्तियों का निष्पादन शीघ्र करने का निर्देश, 15 जनवरी तक किए जा सकेंगे दायर।
जिलाधिकारी ने अली नगर की संयुक्त सभा में मानव श्रृंखला को सफल बनाने का किया आह्वान। मिथिला विश्वविद्यालय में 10 और 11 जनवरी को दो दिवसीय नैक कार्यशाला का हो रहा आयोजन। और ठंड के मद्देनजर सरकारी स्तर पर जगह जगह जलाए जा रहे अलाव। स्वामी विवेकानंद एक युग पुरुष विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित। स्वामी विवेकानंद एक युग पुरुष विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ द्वारा किया गया। नरगौना परिसर स्थित भौतिकी विभाग में इस निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए। सीएम लॉ कॉलेज दरभंगा के छात्र संघ के विश्वविद्यालय प्रतिनिधि अमित कुमार द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन। सीएम लॉ कॉलेज दरभंगा के छात्र संघ के विश्वविद्यालय प्रतिनिधि अमित कुमार द्वारा सीएम लॉ कॉलेज में एलएलएम एवं यूजीसी के अंतर्गत आने वाले 2F पंजीकरण के संदर्भ में कुलपति, प्रतिकुलपति, कुल सचिव एवं छात्र कल्याण अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा गया। आज हम लोगों ने लॉ कॉलेज में एलएलएम और 2F रजिस्ट्रेशन के नहीं होने के अंतर्गत एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हम लोगों ने कुलपति, प्रतिकुलपति और कुल सचिव महोदय को एक ज्ञापन दिया, जहां पे मेरी बात कुलपति कुल सचिव महोदय से हुई है। उन्होंने बताया है कि हम लोगों ने एलएलएम से रिलेटेड एक जांच कमेटी का गठन किया था, जो आपके लॉ कॉलेज में गई भी थी, वहां पे जांच की। लेकिन जब जांच कमेटी ने आपके प्रधानाध्यापक डॉक्टर बदरे आलम खान से एक इस जाँच कमेटी के रिलेटेड पूछा है कि आपके कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स की संख्या और लाइबिलिटी क्या क्या है, तो उन्होंने उससे रिलेटेड अभी तक इस चीज़ का जवाब नहीं दिया है। आज परिषद सदस्य अमित कुमार के नेतृत्व में हमने कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय एवं छात्र कल्याण अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमारे महाविद्यालय में एलएलएम की पढ़ाई किस प्रकार शुरू हो एवं हमारे महाविद्यालय में यूजीसी के अंतर्गत आने वाले 2F रजिस्ट्रेशन किस प्रकार किया जाए, इस पर एक ज्ञापन सौंपा है। इस पर कुल सचिव महोदय से वार्ता करते हुए हमने उन्हें कहा कि सर, इसे कार्रवाई कहां तक हुई, इससे पूर्व में भी छात्र संघ द्वारा इस पर आवेदन दिया गया था, लेकिन अब तक कुछ कार्रवाई आगे नहीं दिखाई जान पड़ती है। छात्र संघ MRM कॉलेज द्वारा संगोष्ठी का हुआ आयोजन। छात्र संघ MRM महाविद्यालय द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था छात्र संघ में छात्राओं की भूमिका एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ पदाधिकारी का सम्मान समारोह भी साथ में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मिथिला विश्वविद्यालय के अध्यक्ष आलोक कुमार, उपाध्यक्ष ध्रुव कुमार, महासचिव प्रीति कुमारी, कोषाध्यक्ष नीतीश कुमार सिंह को पाक चादर और मोमेंटो से सम्मानित किया गया। जब छात्र संघ अस्तित्व नहीं हुआ करता था, तब भी छात्रों की समस्याएं महाविद्यालय स्तर पर या विश्वविद्यालय स्तर पर उठाई जाती थी। DPMI देहरादून की छात्रा मिस आसना नेगी को ONGC में मिली नौकरी, DPMI परिवार उत्साहित। DPMI देहरादून की छात्रा मिस आसना ने ONGC में नौकरी पाई है। उनका सिलेक्शन हुआ है एज मेडिकल असिस्टेंट रेडियोलॉजी, उनका चुनाव किया गया है और उन्होंने डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ऑफ DPMI देहरादून से हासिल किया और उनकी इस उपलब्धि पर पूरा DPMI परिवार काफी खुश है। और मारवाड़ी कॉलेज प्रशासन एवं छात्र संघ के बीच बैठक का हुआ आयोजन, समस्याओं के निपटारे पर गहन चर्चा। मारवाड़ी महाविद्यालय प्रशासन एवं मारवाड़ी महाविद्यालय के छात्र संघ के पदाधिकारियों के बीच बैठक का आयोजन हुआ। बैठक काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और बैठक में महाविद्यालय में विद्यार्थियों को हो रही समस्याओं पर उसके निदान के लिए विचार किया गया, कई सुझाव भी दिए गए और महाविद्यालय प्रशासन ने कई फैसले भी तुरंत लिए विद्यार्थियों के हित में। आज मारवाड़ी महाविद्यालय छात्र संघ और महाविद्यालय प्रधानाचार्य के बीच एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें
छात्र संघ द्वारा विभिन्न मुद्दों पर बात हुई, जिसमें पहला हमारा जो मांग था वो वसूली काउंटर को महाविद्यालय परिसर में के अंदर करने के विषय में था, जो बाहर में रहने से बहुत छात्रों को असामाजिक तत्वों द्वारा बहुत परेशानी किया जाता है तथा विभिन्न तरह के दलालों द्वारा उनसे पैसा ऐंठने का काम किया जाता है। इसलिए इस पर हमारी सहमति बनी है और महाविद्यालय परिसर के अंदर बहुत जल्द वसूली काउंटर जाएगी। तथा दूसरा जो हमारा मांग था वो हमारे महाविद्यालय में शैक्षणिक के लिए जो बाहर में प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए जो छात्र बाहर जाते हैं अब वो हमारे महाविद्यालय में करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इस मुद्दा को उठाया और साथ हमारे विकासशील हमारे प्रधानाचार्य द्वारा इस पर सहमति बनी है और हमारे एक अच्छे शिक्षक को उपलब्ध कराया जाएगा जिससे छात्रों को सामान्य मतलब जनरल कमीशन की तैयारी करवाई जाएगी। तथा उसके बाद छात्रों की उपस्थिति पर हम लोगों ने विचार किया महाविद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा, जिसमें छात्र कैसे महाविद्यालय तक आए, छात्रों की कमी बहुत हो चुकी है। अब उसको देखते हुए हम एक सर हमारे प्रधानाचार्य महोदय और हमारे सामान्य शाखा के यूडीसी जो आनंद सर के बीच बात हुई, जिसमें कहा गया कि एक सॉफ्टवेयर जनरेट करके सभी छात्रों तक और छात्राओं तक यह मैसेज पहुंचाया जाए कि महाविद्यालय में वर्ग नियमित रूप से चल रही है तथा आप सभी के लिए सभी वर्ग के सभी डिपार्टमेंट के सभी शिक्षक उपलब्ध हैं और आप क्लास में आए और विभिन्न तरह के महाविद्यालय में शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपना भाग लें। ये अब तक के समाचार, बताएंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। राज्यसभा सांसद प्रभात झा पहुंचे दरभंगा, कहा नागरिकता संशोधन कानून पर कुछ लोग फैला रहे हैं भ्रम, बोले किसी को भी नागरिकता से हटाने का सवाल ही नहीं। बार बार मिल रही नई तारीखों के बीच एक और नई डेडलाइन, सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा अब जून 2020 से शुरू होगी दरभंगा से हवाई सेवा। महात्मा गांधी मिथिला और मैथिली विषयक दो दिवसीय संगोष्ठी प्रारंभ, सीएम कॉलेज दरभंगा में जुटे विषय विशेषज्ञ। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम में होगा, प्रभारी मंत्री करेंगे ध्वजारोहण, तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। 8 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, आपसी समझौते के आधार पर निपटाए जाएंगे मामले। दावा आपत्तियों का निष्पादन शीघ्र करने का निर्देश, 15 जनवरी तक किए जा सकेंगे दायर। जिलाधिकारी ने अलीनगर की संयुक्त सभा में मानव श्रृंखला को सफल बनाने का किया आह्वान। मिथिला विश्वविद्यालय में 10 और 11 जनवरी को दो दिवसीय नैक कार्यशाला का हो रहा आयोजन। और ठंड के मद्देनजर सरकारी स्तर पर जगह जगह जलाए जा रहे अलाव। यदि अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।